Welcome back friends, in my channel ASW Education. So today we will discuss about the difference between vacuum circuit breaker and SFC circuit breaker. So मैंने इसके पहले वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और SFC सर्किट ब्रेकर दोनों पे अलग अलग वीडियो बनाई है, जिसमें इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग दोनों का और अप्लीकेशन वगैरह मैंने डिस्कस किया है. तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए. और इसका मैंने वो वीडियो में भी ऐसे ही नोट्स बना के बताया है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो एक बार देख लीजिए. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दिस. वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट आर प्लेस्ड इन वैक्यूम. इसका नाम ही है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इसलिए इसके जो कॉन्टैक्ट होता है वो वैक्यूम में प्लेस्ड होता है. ठीक है, और SFC सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि जो सर्किट ब्रेकर होता है उसके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो वेसल में होते हैं और वो जो सराउंडिंग होते हैं कंटेनिंग SFC गैस, मतलब जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं SFC गैस से. ठीक है, इन वैक्यूम आर्क easily extinguish as there is no medium for arc survival. मतलब जैसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में वैक्यूम का मीनिंग ही वो है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए वहाँ पे आर्क सर्वाइव कर ही नहीं सकती. और SF6 में क्या होता है, SF6 गैस हम पास करते हैं वो गैप्स के ऊपर ऑन कॉन्टैक्ट्स, जो कॉन्टैक्ट की जो गैप होती है वहाँ पे, और आर्क क्या होती है, एक्सटिंग्विश होती है. मतलब यहाँ पे SF6 गैस यूज़ की गई है और यहाँ पे वैक्यूम यूज़ किया गया है, वैक्यूम मीडियम. ठीक है, तो ये दो पॉइंट हो गए. अभी थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज चीपर देन SF6 सर्किट ब्रेकर. ऐसा क्यों है, क्योंकि SF6 सर्किट ब्रेकर कॉस्टली होता है, क्योंकि जो SF6 गैस होता है उसका रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है, इसलिए SF6 सर्किट ब्रेकर महंगा होता है. ठीक है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर नीड्स नो मेंटेनेंस, मतलब क्योंकि वो वैक्यूम होता है उसका मेंटेनेंस उतनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, इसको डायरेक्टली हम चेंज करते हैं नए के साथ में, न्यू वन के साथ में. और SF6 सर्किट ब्रेकर नीड्स मोर मेंटेनेंस, क्योंकि वहाँ पे SF6 गैस प्रेजेंट होती है, इसलिए उसका मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है. जो वोल्टेज लेवल होता है वो बिलो 33 kV होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के लिए, और जो SF6 सर्किट ब्रेकर के लिए होता है वो अबव 66 kV होता है. ठीक है, इसलिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है मोर kV के यूज़ के लिए. ठीक है, और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्या होता है, वैक्यूम आर्क क्वेंचिंग मीडियम, एज अ आर्क क्वेंचिंग मीडियम यूज़ करते हैं, और SF6 सर्किट ब्रेकर में हम SF6 गैस यूज़ करते हैं आर्क क्वेंचिंग मीडियम. ठीक है, जो SF6 सर्किट ब्रेकर होता है इसकी जो दोनों की रिलायबिलिटी होती है वो दोनों की सेम ही होती है अप्रॉक्स. सो दैट्स ऑल. आपको इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.